मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक पीड़ित फरियादी सोना भाई नायक न्यायालय के फैसले के बाद भी दर दर भटक रही है। दरअसल सोना भाई नायक के घर के सामने दरवाजे के समीप कुछ दबंगों ने एक कच्चा मकान बना लिया है, जिससे पीड़ित सोना भाई नायक को किसी और जगह रहना पड़ रहा है। पीड़िता सोना नायक ने पुष्पराजगढ़ के तहसील में बेदखली का केस भी दर्ज करवाया, जिसमें सोना भाई नायक के पक्ष में ही फैसला आया, लेकिन प्रशासन अभी तक पीड़िता को उसकी जमीन पर कब्जा नहीं दिलवा पा रही है। बता दें कि फैसला आए हुए 6 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, जबकि 7 दिन के अंदर ही जमीन से कब्जा मुक्त करवाकर राजस्व न्यायालय प्रशासन को पीड़िता को सौंपना था, लेकिन पीड़िता आज तक तहसीलदार के न्यायालय में दर दर भटक रही है। मीडिया से जब सोनाबाई ने मदद मांगी, मीडिया ने जब पड़ताल चालू की, तो पुष्पराजगढ़ तहसील का हाल जाना, और तो और कर्मचारी और अधिकारी मीडिया की टीम को भी गुमराह करने लगे। कोई भी अधिकारी कर्मचारी ठीक से जवाब नहीं दे पाया, कहीं ना कहीं बंदरबांट की तस्वीरें नजर आई हैं। कुल मिलाकर जिम्मेदारों ने इस पूरे मामले को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अनूपपुर से संवाददाता ओमकार सिंह की रिपोर्ट। नमस्ते सर, मैं जमीन खरीदी हूँ। जमीन खरीदी करके मैं मकान बनाई थी। कितना जमीन खरीदी थी आप? 16 डिसमिल है सर। कितने में खरीदी थी? 5 लाख में खरीदी हूँ सर। अब क्या हो गया? ये मोती परसा नायक पिता मोती नायक केसा नायक पिता मोती नायक लोग मेरी जमीन में घर बना के मुझे मेरा रास्ता जाम कर दिया। मैं निस्तार किसमें से करूँ सर? कब्जा मुझे अभी कहीं नहीं। आपने कहीं आवेदन दिया? जी तहसील में दी हूँ सर आवेदन। फैसला भी हो गया है, कोर्ट से आदेश भी हो गया है। कुछ पैसे उसे भी लिए थे आपसे? मांगकन में दी हूँ सर, 5,000 दो बार तक दी है। RI साहब को तहसील में भी दिए थे क्या कुछ पैसा किसी बाबू या तहसीलदार को? दी थी सर, रिमला भाई को दी थी। कितना दिए थे? 10,000 रूपए दी थी सर। किस संबंध में दिए थे? कि कब्जा दिलाएंगे? जी सर। आज तक आपको कब्जा नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया सर।